एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूबर। आप देख रहे हैं इस वक्त जकी ग्राफिक। तो गाइस, अगर आप भी इस तरह का लोगो क्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को जोर से लेकर एंड तक देखें और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आप एक लोगो को कैसे क्रिएट कर सकेंगे। तो आप बने रहें वीडियो के साथ और मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूबर। आप देख रहे हैं इस वक्त जकी ग्राफिक। तो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको एक नया लोगो क्रिएट करके दिखाऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप भी इसको एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा कि आप एक लोगो को कैसे रेडी कर सकते हैं। तो गाइस, आप बने रहे हैं वीडियो के साथ, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस टूल को सिलेक्ट कर लेना, ये थर्ड वाला टूल है। एल भी प्रेस करेंगे तो ये इस टूल पे आप आ जाएंगे। तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना और इसको गोल कर्सल जो है वो आपने इस तरह ड्रॉ कर लेना। करने के बाद गाइज आपने क्या करना है, इसमें ब्लैक कलर फिल कर लेते हैं। करने के बाद गाइज इसकी एक और कॉपी जो है वो हम बनाएंगे और वो कुछ इस तरह बनाएंगे हम लोग। अपने कीबोर्ड से आर प्रेस करके और इसको राइट साइड पे आपने छोड़ देना है। और इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज करूंगा गाइस, थोड़ा सा छोटा। ओके, इतना काफ़ी है। और एक और इसकी मैं डुप्लीकेट कॉपी जो है वो बनाऊंगा और इन तीनों को मैं करूंगा सिलेक्ट। करने के बाद इनको मैं करूंगा यहाँ पे इक्वल, कुछ इस तरह। तो गाइस, इक्वल करने के बाद इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे सेंटर पे और थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ बड़ा कि आप लोगों को वाजिया नजर आए। तो गाइस, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैं करूँगा सिलेक्ट, दो लेयर को। करने के बाद गाइस मैं एक को अप कर दूंगा और एक को डाउन कर दूंगा। तो मैं इसको ले जाता हूँ अप और इसको मैं करूँगा इसके साथ डाउन। इसी तरह आपने भी इनको कर लेना, अप डाउन कर लेना। ओके, तो गाइस इतना जो है हमारा स्केच जो है वो लोगों का रेडी हो चुका है। डेट्स गुड, बिल्कुल आपने भी इसी तरह इसको रेडी कर लेना गाइस। करने के बाद इन तीनों को मैं करूंगा गाइस सेलेक्ट। यहाँ पे आपने एक बात को बहुत ही माइंड में रखना कि जब भी इसको ड्रॉ करना है तो बहुत ही केयरफुल आपने इसको ड्रॉ करना है कि आपका लोगो जो है वो ख़राब ना हो। तो गाइस, इन तीनों को मैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं शेप टूल लूंगा और इसकी मदद से मैं इसको करूँगा फिल। तो यहाँ पे मैं फिल आल ब्लैक कलर को जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद गाइस आपने बहुत ही केयरफुल इसको जो है वो ड्रॉ करना है। तो यहाँ मैं इसको फिल कर लेता हूँ गाइस, कुछ इस तरह। तो ये इतना जो है स्केच वो मेरा रेडी हो चुका है और अब इसको इन दोनों को जो है मैं करूँगा फिल इस तरह। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, इतना मेरा जो जो लोगो है वो रेडी हो चुका है। लेकिन ये बीच में अभी है, इसको मैंने फिनिश करना है। तो इनको मैं करूँगा इस कलर को नन कर दूंगा। ओके गाइस, और यहां पे इसको मैं करूंगा फिनिश। तो गाइस आप ये देख सकते हैं कि ये अभी जो है ये बीच में है और ये चीजें अभी है, इनको सबको फिनिश करना है। तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों को मैं करूं सिलेक्ट। करने के बाद इनको मैं ले जाता हूं एक साइड पे और इस चीज को जो है वो हम कर देते हैं फिनिश और इसको मैं ले आता हूँ फिर सेंटर में। तो गाइस इतना लोगो जो है हमारा रेडी हो चुका है। इसमें हम गोल्डन जो गोल्डन कलर है उसको फिल करेंगे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है हमारा लोगो रेडी हो जाएगा। तो गाइस इसमें करते हैं कलर को फिल। और कलर को कैसे फिल करना, वन बाई वन आपने करना है। इसको सिलेक्ट करके आपने इस टूल की मदद से आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है और नेक्स्ट फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको भी फिल कर दूँगा। तो ये देखें गाइस, अभी मैंने सिंपल सा किया तो ये कितना खूबसूरत हमारा लोगो जो है वो गोल्डन कलर का रेडी हो चुका है। तो गाइस अब मैं थोड़ा सा इस पर करूँगा वर्क ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरती हमें नज़र आए। तो चलें करते हैं स्टार्ट। ये मैं ग्रेडियंट कलर को यूज़ कर रहा हूँ, आप भी ग्रेडियंट कलर को ही यूज़ कर लीजिएगा या आप अपनी मर्जी से भी कोई कलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो आपने बहुत ही केयरफुल रह के इसको जो है वो करना है ताकि आपका जो लोगो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। तो ये देखिए गाइस, इधर मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसकी मैं आउटलाइन को करूँगा फिनिश
ताकि ये आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। तो गाइस देख सकते हैं गोल्डन कलर का मैंने जो लोगो हुआ है वो रेडी किया और कितना ये खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हाथ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।